नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 30 लाख रुपए का होम लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड 30 लाख है, या फिर आप अपना घर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर कहीं पे किसी ने घर ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों इन सब केसेस में आपको होम लोन मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 30 लाख रुपए का होम लोन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि अगर आपको ये लोन चाहिए तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। आप अगर सैलरीड है, जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपको मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए जिसके वजह से आपका इंटरेस्ट कम से कम आप पे गिरे, तो उस हर एक चीज को हम कंप्लीट डिटेल करेंगे दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों हम इसका ईएमआई कैलकुलेट करेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा मेथड, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके वजह से और जिसके चलते आप कम से कम इंटरेस्ट बैंक को पे करें दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देखते हैं तो मैं ये दावा करता हूं कि आप अपने लोन के ऊपर कम से कम 20-30% का बचत कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी के चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर मेनली ये 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों। सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों आपका सिबिल स्कोर, जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं। दोस्तों आपका सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतना कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलता है दोस्तों। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या फिर 800 के आसपास है तो आपको आराम से दोस्तों 8.5% के आसपास होम लोन मिल जाएगा आज के डेट में। दोस्तों जो यहाँ पे जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आरबीआई के पॉलिसी के हिसाब से। तो दोस्तों अभी के डेट में अगर आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो 800 के आसपास है तो आपको आराम से 8.5% के आसपास होम लोन मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों होम लोन के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दोस्तों होम लोन का डॉक्यूमेंट आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब नॉर्मल जो जनरल डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ता है दोस्तों। अगर आपके नाम पे कोई कोलैटरल है, जैसे कि आपके नाम पे कोई एक प्लॉट है, कोई एक जमीन है, कोई एक प्रॉपर्टी है, तो अगर आप उसको एज ए कोलैटरल बैंक के पास रखना चाहते हैं तो उसका आपको बैंक को ब्यौरा देना होगा। उसका जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसका एक प्रूफ आपको देना होगा दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों पिछले 6 महीने का आपका बैंक पासबुक का आपका अपडेट बैंक को देना होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपका पैन कार्ड चाहिए और आपका इनकम टैक्स का रिटर्न, पिछले 2 साल का फाइलिंग। दोस्तों आईटीआर इसलिए मांगा जाता है कि आप यहां पे अपना टोटल जो इनकम है उसको शो कर सकें, और अगर आप आईटीआर बैंक को देते हैं तो आपको मैक्सिमम लोन मिलने के चांसेस है और दोस्तों जल्दी भी होम लोन मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप को एप्लीकेंट ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी वाइफ के साथ अगर हम दोनों मिलके एज ए को एप्लीकेंट अगर होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे दोस्तों क्योंकि एक महिला के साथ अपना होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ कंसेशन मिलने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ साथ चलिए हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे और पूरा डिटेल में 30 लाख का होम लोन का कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं अपने एक्सेल शीट पे। सबसे पहले है दोस्तों लोन अमाउंट। तो क्योंकि हमने 30 लाख का एग्जांपल लिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 30 लाख रुपए डाल देंगे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम ये मान के चलते हैं कि आपको 8.5% के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों आपको होम लोन मिल रहा है। अब आता है दोस्तों टेन्योर। अब कितने साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं? दोस्तों होम लोन आप 30 साल के आसपास मैक्सिमम टाइम के लिए ले सकते हैं, पर हम आपको ये कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप 30 साल का होम लोन ले। जो आइडियल टाइम होम लोन होता है दोस्तों होम लोन का, वो 15 साल के आसपास होता है। आप अगर चाहें तो 15 से 20 साल के अंदर होम लोन का टेन्योर चूज कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों अगर आप 15 साल के लिए होम लोन चूज करते हैं तो आपकी जो ईएमआई आती है दोस्तों वो लगभग 30,000 के आसपास आ जाती है। तो अगर आप हर महीने 30,000 का ईएमआई दे सकते हैं तो 15 साल का लोन टेन्योर आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको बढ़ा के दोस्तों 20 साल करते हैं तो 20 साल में दोस्तों आपकी जो ईएमआई आ जाती है वो 26,000 के आसपास आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों 20 साल के ऊपर हम आपको कभी भी ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप होम लोन लें,
क्योंकि दोस्तों अगर आप होम लोन का टेन्योर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे बैंक को आपको उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। तो एज एन आइडियल केस हम इसको दोस्तों 20 साल का मान के चलते हैं, क्योंकि 30,000 का ईएमआई देना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोन ले रहे हैं 30 लाख का, इंटरेस्ट है 8.5% और टेन्योर है 20 साल, उस हिसाब से आपकी जो ईएमआई आती है दोस्तों वो 26,000 रुपए आ जाती है। आप बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों 32,04,380 रुपए, यानी कि 30 लाख रुपए के होम लोन के ऊपर 32 लाख का ब्याज, कुल मिला के हो गया दोस्तों 62 लाख रुपए। यानी कि आपने बैंक से तो लिया है 30 लाख रुपए, पर दोस्तों आपको बैंक को दे रहे हैं 62 लाख रुपए। आप बैंक को जो रिटर्न करेंगे दोस्तों वो 2 गुना से भी ज्यादा पैसा आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये जो आप बैंक को रिटर्न करेंगे इस पैसे को किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपने बैंक को से जितना भी लोन लिया है 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो 30 लाख तो दोस्तों बैंक को आपको लौटाना ही पड़ेगा। बाकी के जो ब्याज है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके वजह से हम ब्याज को कम कर सकें? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनमें से एक तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो आपका ईएमआई आ रहा है दोस्तों 26,035 रुपए, इसमें से कुछ पैसा आप पे करते हैं दोस्तों आपके प्रिंसिपल पे, यानी कि जो 30 लाख रुपए का लोन लिया था उसके ऊपर, और कुछ पैसा आप पे करेंगे दोस्तों इंटरेस्ट के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टुवर्ड्स लोन लिखा गया है। आपने जो 30 लाख रुपए का लोन लिया था उसमें से पहले महीने के ईएमआई में आपने पे किया है सिर्फ 4,785 रुपए। अब इंटरेस्ट के जब हम देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,250 रुपए का आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। दूसरे महीने की बात करें तो हमारा जो टुवर्ड्स लोन है वो थोड़ा सा घट के 4,819 रुपए हो जाता है, और टुवर्ड्स लोन ये घट थोड़ा सा घट के हो जाता है दोस्तों 21,216 रुपए। यानी कि टुवर्ड्स लोन ये थोड़ा बढ़ रहा है और टुवर्ड्स इंटरेस्ट थोड़ा घट रहा है दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों आपका ईएमआई जैसे जैसे बढ़ता रहता है, आप जो 30 लाख वाला अमाउंट है वो धीरे 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 पे करते जाते हैं, और जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से घटता रहता है। तो अगर हम हर महीने या फिर साल में एक दो बार कुछ कुछ अमाउंट अपने प्रिंसिपल पे डाल दें तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक घट जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से हम आज का ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा 1-1.5 मिनट पीछे जाइए और इसको एक बार फिर से देखिए, ताकि इसको आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे और एक ऑप्शन पे जाऊं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर करके। यानी कि आप जितना भी ईएमआई देते हैं होम लोन का, हर साल आपको सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे देना है। यानी कि जो यहाँ पे आपको 26,035 रुपए अपने 12 महीने के लिए दिया, हर महीने अपने 21 महीने 1,000 रुपए, 21 महीने 500 रुपए, 21 महीने जो है 2,000 रुपए, जो भी आपका एक्स्ट्रा बचत हो रहा है, अगर बचत कर सकते हैं तो यहाँ पे उस पैसा को जोड़ के आप यहाँ पे ईएमआई दे देंगे दोस्तों। पर दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल आप एक ही ईएमआई दे, आप चाहें तो ईएमआई से कम पैसा या फिर ईएमआई से ज्यादा पैसा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हर साल सिर्फ एक ईएमआई देते हैं तो जो इंटरेस्ट दोस्तों आप 32 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं घट के हो गया दोस्तों लगभग 23,80,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग दोस्तों आपने 8-10 लाख का सेविंग कर लिया। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि जो लोन का आप 20 साल में चुका रहे थे, क्या इसके वजह से टेन्योर पे कुछ इफेक्ट आता है? 20 साल यानी कि दोस्तों 240 महीना अगर आप एक्स्ट्रा ईएमआई देते हैं तो अगर हम थोड़ा नीचे जाओ तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया नेगेटिव वैल्यू 185 महीना, यानी कि 240 महीने के लोन को आप 185 महीने में चुकाने में समर्थ हैं। यानी कि ना कि आप अपना पैसा बल्कि आप अपना टाइम भी बचा रहे हैं दोस्तों। अब और एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग हम आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा हर साल आपकी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका टीए में इंक्रीमेंट, डीए में इंक्रीमेंट, एचआरए में इंक्रीमेंट, ये सब हर साल होता रहता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपका 6-7% इंक्रीमेंट होता है जो कि इन्फ्लेशन के आसपास होता है दोस्तों। तो उसमें से अगर आप सिर्फ 5% हर साल अपने होम लोन में बढ़ा देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं सिर्फ 5% से होम लोन का इंक्रीमेंट करता हूँ
बूम 17 लाख हो गया दोस्तों। यानी कि जब आप पहले 32 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे वो घट के हो जाएगा दोस्तों लगभग 18 लाख रुपए। यानी कि लगभग दोस्तों आपने अपने इंटरेस्ट पे लगभग आधा पैसा आपने सेव कर लिया, 45% के आसपास आपने सेव कर लिया दोस्तों। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ, एक पहले महीने से आपकी ईएमआई शुरू होते हैं 26,035 रुपए देते हैं। एक साल के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ईएमआई दिया 12वें महीने पे। जब जैसे ही 13वें महीने आता है 26,035 रुपए बढ़ के आपकी ईएमआई हो जाता है 27,336 रुपए। इस हिसाब से आप अगर पे करेंगे तो आप दोस्तों बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। उसी के पास पास साथ दोस्तों अगर हम इसके टाइम फ्रेम को देखें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका नेगेटिव वैल्यू आ गया है। तो आपने 130 महीना यानी कि 240 महीने का लोन को आपने 130 महीने में चुकता कर दिया है दोस्तों। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप बहुत ही आसानी से होम लोन को थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल के थोड़ा इंटेलिजेंट अप्लाई करके इंटेलिजेंसी आप यहाँ पे आराम से कम पैसे में और कम टाइम में होम लोन का चुकता कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह से अगर आप होम लोन का प्लानिंग करेंगे तो आपको कम पैसे में दोस्तों कम एफर्ट में अच्छा आप प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करके इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।